देखिए 9 बजे के आसपास की एक घटना थी और लगभग मेरे घर से 500 मीटर दूरी है, ज़्यादा दूर नहीं है। मेरे पड़ोसी भी यहाँ पर हमारी टीम के साथ ही तमाम पहुँच गए थे। हमारे दीपक भाई, रवि भाई, शिवी जी, ये तमाम जो साथी हैं, ये जब ये हादसा हुआ सबसे पहली कॉल पुलिस को भी हमारे साथियों ने की। पुलिस ने तत्परता से काम किया और यहाँ पर बैरिकेड्स वगैरह की व्यवस्था की गई। पुलिस ने पूरा पब्लिक को भी आगे जाने से रोका है। हमारे कार्यकर्ताओं ने पब्लिक को यहाँ पे जो खतरे वाली जगह उसको जाने को रोका। तो ये घटना मैं समझता हूँ कि इसमें किसी एजेंसी को दोषारोपण करना ठीक नहीं। प्रथम दृष्टया जो नजर आ रहा है कि प्राकृतिक रूप से ये घटना यहाँ पर हो गया है और बारिश जो अप्रत्याशित और बहुत ही असामान्य बारिश इस पर दिल्ली एनसीआर में हुई है, शायद उसकी वजह से कहीं से पानी इसमें जमीन में घिस रहा होगा। आज 16 ब्लॉक, ये जो रोड जाता है 16, 15, 22 और 24 ब्लॉक के बीच में ये जो हादसा हुआ है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये दुर्घटना बहुत ही दुखद है क्योंकि ये लगभग 8:30 बजे दुर्घटना हुई। अपने आप यहाँ पर एक रिक्शा था, रिक्शा खड़ा हुआ था, रिक्शा खड़े खड़ा है, वो रिक्शा अंदर धंसा है। इसमें एक व्यक्ति भी था लेकिन वो व्यक्ति तुरंत उछल के हट गया। ये कैजुअलिटी देखेंगे आप, लगभग 30 से 40 फुट ये गड्ढा है और यहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड की पाइपलाइन जा रही है जिसकी हालत खस्ता है। ये पाइपलाइन लीक हो रही है। मुझे लगता है ये कारण वह भी हो सकता है कि दिल्ली जल बोर्ड की लापरवाही, साथ साथ पीडब्ल्यूडी के जितने भी नाले जा रहे हैं आप देखेंगे जब ये जमीन धसी है इसके अंदर किसी भी प्रकार का मलवा नहीं है। यह जमीन कच्ची जमीन है। आज ये जमीन में पूरी धसने के कारण एक कुत्ता, यहाँ से एक कुत्ता जा रहा था वो भी धसा है। एक गाय भी आ रही थी, गाय भी बची है, गाय को यहाँ से हटाया गया। यहाँ पर जैसी हम सभी लोगों को नहीं, कोई भगवान का शुक्रगुजार है हम सभी लोग की कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। एक रिक्शे वाला था लेकिन वो कूद गया वहां से तो वो बच गया। लेकिन ये सीधा सीधा जो ये बात नहीं, ये कारण सीधा सीधा कुछ भी नहीं है। कारण सीधा दिल्ली सरकार से मैं जोड़ना चाहूंगा क्योंकि दिल्ली सरकार यहां पर ये पीडब्ल्यूडी का काम जो चल रहा है दिल्ली सरकार का काम है। दिल्ली सरकार की लापरवाही इसमें दिखती है और दिल्ली जल बोर्ड की, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड के जितने भी नीचे के नाले और दिल्ली जल बोर्ड के जो पाइपलाइन है वो सारी खस्ता हालत में पड़ी है जिस कारण से सड़क धसी है।